भक्तमाल में भक्त विट्ठल दास जी का बड़ा ही रोचक प्रसंग आता है। भक्त विट्ठल दास जी की संत सेवा में बड़ी ही निष्ठा थी। उनके घर पे अनंत संत आते थे, अलग अलग शहरों के, अलग अलग देशों के, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग गांवों के, वह सबकी बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ सेवा करते थे। अब जब संत घर पे आए तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी करते थे। तो संतों के आने के कारण विट्ठल दास जी का समाज में बड़ा नाम था। उनका नाम सुनकर बड़े बड़े धनिक लोग विट्ठल दास जी के घर पर आते थे और धन की व्यवस्था करते थे। एक बार कोई संत बहुत दूर से विट्ठल दास जी के पास भोजन करने की आशा से आए। पंगत भर चुकी थी, विट्ठल दास जी भोजन खिला रहे थे। तभी वह संत जिद करने लगे, मुझे पंगत में बैठना है। तभी एक सेठ, उसे बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने उस संत को बड़े अपशब्द कहे। तब विट्ठल दास जी ने इस बात को देख लिया और उन्होंने उस सेठ से कहा, आज के बाद तुम मेरे घर पे नहीं आना, तुमने संत का अपमान किया है। संत का अपमान मेरे भगवान का अपमान है। मेरे घर पर तुम्हारे आने का अब कोई कारण नहीं रहा, आज के बाद तुम मेरे घर पे कदम नहीं रखना। सेठ को पैसे का बड़ा घमंड था और जाते जाते कहकर गया, विट्ठल दास, जो यह भंडारा चलता है वह मेरे पैसे से ही चलता है, अब मैं देखता हूँ तुम अपने घर पर भंडारा कैसे चलाते हो। सेठ ऐसा कहकर चला गया। अब एक दिन अवसर आया, सारे समाज में यह बात पता थी कि अमुक तारीख पर विट्ठल दास जी के घर भंडारा होता है। सबको बता दिया गया कि इस तारीख पर आ जाइएगा, सब संत लोग आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, सबको भंडारा खिलाया जाएगा। विट्ठल दास जी के परिजन बड़े चिंतित थे कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे भंडारा चलाया जाएगा, कैसे सबको भोजन खिलाया जाएगा। और समाज में तो बड़े जोर शोर से प्रचार हुआ है और जो सेठ अपशब्द कहकर गया था उसने भी नीचा दिखाने के लिए सारे समाज में बात हुला दी थी कि विट्ठल दास जी के घर अमुक तारीख पर भंडारा है, आप जरूर जाइएगा। परिजन सब चिंतित थे पर विट्ठल दास भगवान के भरोसे थे। राम भरोसा राख तुम और भरोसा त्याग, कहे टेऊ हरि शरण ले खोलो अपना भाग। प्रेम प्रकाश मंडल के संप्रदाचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने कहा है, जो राम का भरोसा लेते हैं राम उनके रक्षक बन जाते हैं। विट्ठल दास जी ने सब ओर से आशा छोड़कर परमात्मा पर भरोसा किया था और भक्त के भरोसे को भगवान कभी टूटने नहीं देते हैं। निश्चित होकर विट्ठल दास जी बैठे थे। दो दिन शेष थे भंडारे में। भगवान एक व्यापारी का वेश बनाकर विट्ठल दास जी के पास आए और विट्ठल दास जी से कहा, हे विट्ठल दास, मैं अमुक शहर का व्यापारी हूँ, रात को सोया पड़ा था और सपना आया। सपने में भगवान ने कहा, तुम विट्ठल दास के पास जाओ, विट्ठल दास भंडारा करने वाला है, उसे 300 सोने की अशर्फियाँ देकर आओ। मैं आपके पास ये अशर्फियाँ लेकर आया हूँ, आप इसे भंडारे में लगाइएगा। पहले तो विट्ठल दास ने लेने से मना किया, कहा, अगर भगवान ने भेजी हैं तो स्वयं लेकर आते, आपके हाथ से क्यों भेजी हैं। तब भगवान ने बड़े मधुर शब्दों में कहा, क्या मैं भगवान नहीं हूँ, तुम तो भक्त हो, तुमको तो सब में भगवान दिखाई देते हैं, क्या मेरे में भगवान नहीं दिखाई दिए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर, उस व्यापारी के वेश में जो भगवान थे उसके ऐसे वचन सुनकर विट्ठल दास मोहित हो गए। उन्होंने वह धन स्वीकार कर लिया। अब भगवान कहने लगे, विट्ठल दास मुझे थोड़ा जल तो पिलाओ। जैसे ही जल पिलाने के लिए विट्ठल दास मुड़े, इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह भक्त जब तक जल का लोटा लेकर आए, भगवान को ना पाकर बड़े विस्मय हुआ। कहा, अभी तो यह व्यापारी यहाँ खड़ा था, कहाँ चला गया। और मनी मन आंखें बंद कर विचार किया तो उन्हें प्रत्यक्ष हो गया कि यह व्यापारी नहीं, स्वयं भगवान मुझ भक्त का भंडारा कराने के लिए
पैसे देकर गए हैं। अब तो सारे शहर में बड़े धूमधाम से भंडारा हुआ, सबने भोजन प्रसादी पाया, सबको अच्छी तरह से दक्षिणा दी गई, ब्राह्मण खुश होकर गए, सारी गली नगर में विट्ठल दास की जय जयकार होने लगी। तभी शाम के वक्त वह सेठ जो अभिमान करके विट्ठल दास के घर से निकल गया था, उसने सोचा कि मैं जाकर देख कर आऊं, आज तो सारे शहर में सब विट्ठल दास को गालियां दे रहे होंगे। इसी दुर्भावना से वह शहर में निकला, पर जैसे ही विट्ठल दास के घर से गुजरा तो वहां आवाज आने लगी, विट्ठल दास की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, भक्त भगवान की जय हो। वह घर के अंदर गया और भक्त के घर में बड़ा आनंद लगा पड़ा था। सब विट्ठल दास की जय जयकार कर रहे थे, कह रहे थे जैसा भंडारा आज हुआ है ऐसा भंडारा तो कभी नहीं हुआ, और इतना बड़ा भंडारा, इतना स्वादिष्ट भंडारा और इतनी दक्षिणा आज तक कभी किसी ने नहीं दी। सेठ सिया सब बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने विट्ठल दास जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया और पूछा, यह सब भंडारा कैसे हुआ? तब विट्ठल दास ने सेठ को देखकर कहा, सेठ तुम्हारे मन में अभिमान था, पर तुम पैसे के मद में यह भूल गए कि जगत का स्वामी जगदीश्वर अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करता है, अपने संतों के कारज स्वयं पूर्ण करता है। आज वह स्वयं आकर मुझ जैसे भक्त की लाज रख कर गए, उन्होंने ही स्वयं आकर इस भंडारे को पूर्ण किया है। जब सेठ को सारी बात पता चली तो उसका अभिमान टूट गया, वह संत के चरणों में बैठकर क्षमा मांगने लगा। तब विट्ठल दास जी ने कहा, हे सेठ, आज के बाद कभी धन का अभिमान नहीं करना, अगर अभिमान करना है तो उस भगवान का करना कि वह हमारा साथी है, वह हमारा रक्षक है, तो अपने भक्तों की लाज स्वयं आकर भगवान किसी न किसी रूप में रखते हैं, अपने भक्त को कभी खाली नहीं लौटाते हैं। तो ऐसे शरणागत भगवान की जो शरण में आ जाए उसका अवश्य में कल्याण हो जाता है। बोल भक्त वसल भगवान की जय।